नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दशहरा के अवसर पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में शामिल होने वाले 29 बाल वैज्ञानिकों को टैबलेट देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें पिछले 2 साल के लखनऊ मंडल के 5 बाल वैज्ञानिक भी शामिल है। वहीं गंगाजल के लिए खोड़ा के लोग अब लखनऊ से पहले गाजियाबाद के खोड़ा तक पदयात्रा करेंगे। 31 अक्टूबर को यह मार्च निकाला जाएगा। वहीं लखनऊ तक 31 दिसंबर को जाएंगे। सोमवार को भी खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से बैठक की गई है। वही लखनऊ महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार महोत्सव में 795 स्टॉल लगेंगे। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक लखनऊ महोत्सव आशियाना के बंगला बाजार सेक्टर एल स्थित मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक स्थल में लगेगा। वही पंजाब दौरे पर पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री फिर विवादों में घिरे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने पठानकोट में चल रहे कार्यक्रम में ईसाई भाईचारे की तुलना विदेशी ताकतों से की थी। वहीं ईसाई समुदाय के लोगों ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सोची समझी साजिश के तहत इनके धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के मिलकर लड़ने पर बात नहीं बन पाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कि हमारी और कांग्रेस की सोच में फर्क है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। वहीं सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर पर AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने सोमवार को कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मकर संक्रांति के बाद जनवरी 2024 में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला की सेवा करने का सुनहरा मौका दे रहा है। ट्रस्ट ने पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे हैं। वही ICC वनडे विश्व कप 2023 का 23वां मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार है। साउथ अफ्रीका की टीम इस मैदान पर टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। वही उत्तर प्रदेश में गुनगुनी ठंड ने दस्तक दे दी है। वैसे दिन के समय में अभी भी तीखी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ समेत अन्य जगहों पर न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। इन खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।